डेयरी चल रही है, सुनाम का रहने वाला है, 4-5 महीने यहाँ आता है हर साल, और बहुत गंदी जगह है, कोई लाइसेंस नहीं है, हर साल अपना एक एरिया बदल लेता है, रेंट पे लेता है। जी ये देखो लाइसेंस है ही नहीं, यदि सैंपलिंग हुई है नहीं हुई है उसका कहना है, वो ये कह रहे हैं जी मैं सिर्फ सर्दी सर्दी आना, और हर साल ये अपना अड्डा बदलते हैं, रेंट पे लेते हैं जगह। देखो जी मेरा कहना है एक यही जी जगह पे बैठे ने जिथे कोई जंगल उजाड़ नहीं है, मलोट मंडी के विच बैठे ने, तो जे कोई हर साल 4 महीने वास्ते बाहरों आके यह जहाँ काम करता है तो वह वैसे ही शक के दायरे च आ जाता है। सेहत विभाग की टीम ने मलोट विच छापेमारी करके मिलावटी दुध तैयार करने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। अधिकारियों ने दसिया कि मलोट विच बाहर तो आए एक व्यक्ति द्वारा यह फैक्ट्री चलाई जा रही थी जिथे मिलावटी दुध तैयार करके आस पास के जिलों में सप्लाई किया जा रहा है। कार्रवाई की गई है, कौन सी डेयरी और क्या कुछ किया गया? ये कोई मलोट के एडवर्डगंज हॉस्पिटल के पीछे मंदिर है, उसके सामने गली में डेयरी चल रही है, सुनाम का रहने वाला है, 4-5 महीने यहाँ आता है हर साल, और बहुत गंदी जगह है, कोई लाइसेंस नहीं है, हर साल अपना एक एरिया बदल लेता है, रेंट पे लेता है। एंड आज कोई इन्फॉर्मेशन आई थी अनोनिमस, उसके तहत हम लोगों ने यहाँ रेड की है। यहाँ पर हमें दूध मिला है, 2 टैंकर खड़े हैं, एक टैंकर में है 120 किलो के आसपास 1.25 क्विंटल और दूसरे में 2.5 क्विंटल, और इसके जो प्रेमिसेस में हमें मिला है वो है कोई 3-4 क्विंटल दूध क्रीम रिफाइंड, और दूध को मिक्स करके ये 1 लीटर रिफाइंड में थोड़ा सा दूध मिला के तकरीबन 20 लीटर दूध बना रहा है। हमने सैम्पलिंग कर रही है, सारा स्टॉक सीज करके जाएंगे, एंड सीजर के बाद जब रिपोर्ट आएगी पुलिस खड़ी है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, उसके बाद हम रिपोर्ट के तहत बनती कार्रवाई करेंगे। मैंने इसकी कैसे पता चला, कोई सूचना मिली या कुछ? सूचना आई हुई, मैंने आपको बताया ना, किसी ने फोन पे सूचना दी है। मैडम उन्होंने कहना साढ़े को लंबे समय तो लाइसेंस नहीं गया, अभी सैंपल भरा रहे हैं, पर की कारण की है? वो विभाग जो सैंपलिंग करता रहा पर लाइसेंस की जांच नहीं की। देखो जी ये देखो लाइसेंस है ही नहीं, ये सैंपलिंग हुई है नहीं हुई है उसका कहना है, वो ये कह रहे हैं जी मैं सिर्फ सर्दी सर्दी आना, और हर साल ये अपना अड्डा बदलते हैं, रेंट पे लेते हैं जगह। बिल्कुल पुलिस अपना FIR रजिस्टर डिपार्टमेंटल बनती कार्रवाई करके जावा। मैडम जिम्मे कि उन्होंने तैयार करके विखाया भी रिफाइंड तो तैयार करते हैं, कि लगता है कि है भी किस तरह का अफेक्ट करता है जिम्मे आम लोगों के पब्लिक को दिता जाता है? देखो जी मेरा कहना है एक यही जी जगह पर बैठे ने जिथे कोई जंगल उजाड़ नहीं है, मलोट मंडी के विच बैठे ने, तो जे कोई हर साल 4 महीने वास्ते बाहरों आके यह जहाँ काम करता है तो वह वैसे ही शक के दायरे च आ जाता है। अपने समाज अपने लोगों के रहन जड़े आस पास के रहन वाले उन्होंने जिम्मेवारी बनती है कि यही जी कोई सूचना होंगी है गुप्त नाम रख लैन अपना तो सानू कोई सूचना दे देन तो उसते ही कार्रवाई होएगी। मैडम ये दुध उन्होंने कितों लै रहे थे, कितने सप्लाई कर रहे थे इतने यहाँ आके? देखो जी सप्लायर इन कौन सप्लाई कर ये कितों लै रहे हैं यही पता, सप्लाई जरूर इन्होंने कहने के मुताबिक किसी होर जिले च करते हैं, उत्थे भी बनती कार्रवाई करवा द मैं इन्फॉर्म कर दता है उस जिले में, उत्थे भी कार्रवाई हो जाएगी। मैडम कल्ली इसे डेयरी ते रेड पई है, किते कोई होर डेयरियां भी जिहड़ियां इस तरह दी कोई पंजाबी नहीं? अज तां सानू इत्थों दी इन्फॉर्मेशन सी, टाइम टू टाइम असीं जो भी न्यूज़ मिलेगी उस हिसाब नाल रेड कर लैंदे। मैडम लगभग किन्ना दुध जनरेट कर लैंदे सी ये रेगुलर डेली बेस? देखो जी दसन वाला कदे भी सही नहीं दसेगा कि मैं कितना जनरेट करदा। की किस तरह की जिहड़ी हैगी अज चेकिंग होई हैगी है, की माल के किस तरह दूध तैयार करदे सी तुसीं? नहीं कोई दुध तां नहीं तैयार करन वाली गल, इह दुध दा सैंपल हो गया जी पता लग जूगा उहदे विच। महकमे दे दसन दे मुताबिक जिहड़ा हैगा है कि नकली दुध बना तैयार कीता जांदा सी, इह तां सैंपल हो गया जदों चेक होऊगा पता लग जूगा जी। किन्ना क दुध जिहड़ा सीगा तुहाडे कोल अज डेयरी ते वेखिआ? दुध इत्थे हैगा जी आपणे कोल कोई 900 लीटर 1000 लीटर दे नेड़े जी। रोज सप्लाई कर ਇਹ ਪਰ ਪਲਾਟ ਚ ਭੇਜਦੇ 1000-1200 ਲੀਟਰ ਜੀ।
ਕਈ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੇ ਟੇਨ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੱਸੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਜੀ ਤਾਂ ਗਣ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਦਹੀਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ